प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आप में से बहुतों को छुएगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। आज के मनन का भाग हमने लिया है नहमाया की किताब अध्याय 9 उसकी 36वीं आयत, बुक ऑफ नहमाया चैप्टर 9 वर्स 36, और लिखा है, देख आजकल हम दास हैं, हाँ इसी देश में दास हैं जिसे तूने हमारे पूर्वजों को दिया था कि इसकी उत्तम उपज में से खाएं, इसी में हम दास हैं। अजीजों, यहाँ पर आप और मैं परमेश्वर के महान भक्त और दीन दास नहमिया को प्रार्थना करते हुए आप और मैं देखते हैं, आप और मैं पाते हैं कि उसने अपने राष्ट्र की गलतियों और उनके पापों के विषय में अच्छे से वो जान लेता है और वह अपने पापों को गंभीरता के साथ समझने के साथ परमेश्वर के सम्मुख आता है। अजीज, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना में एक और चीज जो आपके लिए मेरे लिए सबसे बड़ी आशीषित बात होती है, और वो ये है कि जब आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, जब अपनी कमजोरियों को उसकी उपस्थिति में हम समझने लग जाते हैं, हम उनको मानना शुरू करते हैं। मैं जाने ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ, या प्रभु की उपस्थिति में हो, प्रार्थना में हो, आत्मा में हो, कितने भी प्रभु के निकट क्यों ना हो, वे कभी भी अपनी गलती को रियलाइज नहीं करते। लेकिन मैं आपसे कहूँ, जब आप और मैं प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में अपनी गलतियों को जब रियलाइज करते हैं, उनको मानना शुरू करते हैं, एक बहुत बड़ी विक्ट्री को आप और मैं अपनी प्रार्थनाओं के भीतर देखते हैं। अजीजों, हमें इस बात को हमेशा जानने की जरूरत है, और वो ये है, परमेश्वर कभी भी गलत नहीं होता। अगर गलत कोई होता है तो वह आप और मैं होते हैं। अगर गलती किसी से होती है, इसका मतलब है आप और मैं गलती कर रहे होते हैं, और वो गलती तब बड़ी हो जाती है जब आप और मैं अपने आप को परमेश्वर की योजना अर्थात उसकी इच्छा से अपने आप को आप और मैं बाहर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने के लिए आप निर्णय करिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि परमेश्वर की योजना से आप कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, आप प्रभु से माफी मांगिए, अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और उसकी योजनाओं को आप ढूंढना शुरू करिए, और आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अपने अनुग्रह को करेगा। आप प्रभु को अपने काम में देखने पाएंगे। यदि समस्याएं आए, मुश्किलें आए, इन सब के बीच में आप एक बात पाएंगे, और ये कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे आपको और अधिक अध्यात्म की उस गहराई में ले जाने के लिए जहां पर आप सच्चे को जानेंगे। यदि आप उसके प्रति आज्ञाकारिता में जीवन जी रहे तो मुश्किलें तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन सब के बीच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन ऊंचाइयों पर आपको लेकर जाएगा जिन ऊंचाइयों के ऊपर ले जाकर वो आपको आशीष देना चाहता है। अजीजों, इसी प्रकार जब आप और मैं प्रार्थना में प्रभु के पास आते हैं, आपको मुझे चाहिए कि अपने जीवन की सारी अशुद्धताओं को प्रभु के सम्मुख रखें, जीवन की सारी गलतियों को उसके सामने रखकर उसे माफी मांगे और कहने पाएं कि प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। और तब परमेश्वर का आत्मा आपके मेरे उन विचारों को दुरुस्त करता है, उन जगहों पर आपका मेरे जीवन को बदलता है जहां आप और मैं कमजोर है। नहमिया को आप और मैं देखते हैं, वो दीवार के महत्व को समझता था जिस दीवार को 52 दिनों के भीतर बनाया गया था, और बहुत सारी वहां पर रुकावटें आई, बहुत सारी बातें वहां रुकावट का कारण बनी, लेकिन सब के बीच में आप और मैं देखते हैं कि नहमाया परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और वो प्रभु की उपस्थिति में आता। आज इस सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, जब तू प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु चाहता है तू अपने आप को तोड़, अपनी गलतियों को मान, जहां पर तू फिसला है, जहां पर तू गिर गया है, फिर से एक और बार उठकर वहां से खड़ा हो ताकि उन बातों को देख सके जिन्हें परमेश्वर तुझे दिखाना चाहता है। भाई मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद इस दिन के लिए, और हम दुआ करते हैं आपका हाथ हम पर हो, आपके लिए जीने के लिए मदद करें, हमें तेरा सेवक बना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।